ये थाना नौबस्ता टीम के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें जो दवाइयाँ होती है शेड्यूल एच ड्रग्स बोला जाता है, जिनको नशे के लिए यूज किया जाता था, उनको डिफरेंट जो ड्रग रिटेल स्टोर होते थे वहाँ पे लोगों को बेचा जाता था। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये होता था, चूँकि शेड्यूल एच ड्रग्स जो होती हैं उसके लिए पहले तो प्रॉपर लाइसेंस चाहिए होता है, दूसरा लाइसेंस के बाद उसमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन की चाहिए होता है और उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। दोनों मेडिकल स्टोर जिनको अरेस्ट किया गया है, जिन दो लोगों को, उनके पास ना तो लाइसेंस था और ना ही वो कोई रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे। वो जो डिफरेंट सप्लायर थे उनके कॉन्टैक्ट में रहते थे, नशीले ये इंजेक्शंस और दवाइयाँ जैसे एल्प्राजोलम हो गया, एल्प्रेक्स हो गई, और इंजेक्शंस में मॉर्फिन वाला इंजेक्शंस, ये सारे मंगवाते थे और लोगों को पैकेट बना के 120 रुपए में बेचते थे। इनकी कॉस्ट पड़ती थी इनको 30 से 40 रुपए और बेचते थे उसको 120 से 150 रुपए में। कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए इसमें? अभी हमने 4 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है, 2 अभियुक्त सुनील और गुड्डू वो फरार हैं। गुड्डू जो है उसके पास वो एक गोडाउन थी, थाना थाने में उसका एक गोडाउन भी मिला जिसमें बहुत सारी नशीली दवाइयाँ लार्ज अमाउंट में हमने सीज़ की है, उसमें भी ये सारे नशीले इंजेक्शन्स और दवाइयाँ थी। उसके पास ना तो कोई लाइसेंस है और ना ही उसने कोई प्रायर कोई परमिशन लिया। ये दवाइयाँ कहाँ से इंपोर्ट होती थी, कहाँ से लाती थी और कैसे इतनी आसानी से लोगों को मुहैया हो जाती थी जो नशेबाज? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये शेड्यूल एच ड्रग्स होती हैं और इसके लिए प्रॉपर लाइसेंस चाहिए होती है। जो होलसेल मार्केट है वहाँ से इन दवाइयों का डाइवर्जन होता है और वहीं से फिर इनको रिटेल स्टोर्स में दिया जाता है जहाँ पे ये उसको लोगों को नशे के लिए बेचते हैं। तो वो सारी चेन हम ट्रैक कर रहे हैं, कौन होलसेल वाले इसमें इन्वॉल्व हैं उनके भी यहाँ पे हम रिकॉर्ड्स हैं वो चेक करेंगे। अगर किसी ने अपने गोडाउन में बिना परमिशन के, बिना बिल्स के अगर ऐसी चीज़ें रख रखी हैं तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। कानपुर के अलावा भी अदर जिलों में भी सप्लाई कर रहे हैं? देखिए, अभी तक की पूछताछ में ये पता लगा है कि दूसरे जनपद से ये बड़ा स्टॉक उठा के लाते थे और फिर यहाँ पे लोकल स्टोर्स पे देते थे। बाकी जो अभियुक्त हैं और जो दो फरार हैं वो जब जिसमें डिटेल इंटरोगेशन होगी उसमें जैसे फैक्ट सामने आएंगे, हम इससे अगर कोई और लोग भी जुड़े होंगे तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। जो अभियुक्त का काम क्या होगा इसमें? जो दो हैं वो मेडिकल स्टोर वाले थे जो अपने स्टोर पे बेचते थे, और जो दो हैं इसमें शैलेश पांडे और गिरीश कुमार, इन दोनों का काम सप्लाई करने का। जो माल पकड़ा गया कितनी मात्रा में माल है, लगभग कितनी कीमत हुई इसको? इसमें अलग अलग जगह से बरामदगी हुई है, लगभग जो टैबलेट्स हैं जो गुड्डू के स्टोर पे मिली उसमें 70,000 के आसपास टैबलेट्स मिली हैं। ऐसे ही उनके पास सिरिंजेस भी मिली हैं और इंजेक्शंस भी मिले हैं और डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट कंपोजिशंस के जो टैबलेट्स हैं वो मिली हैं जो कि NDPS एक्ट में बैंड है। कितने सालों से ये लोग गलत धंधा कर रहे हैं? अभी ये जो बता रहे हैं कि 1-1.5 साल से जो मेडिकल स्टोर वाले वो ले रहे थे सप्लाई, बाकी हम डिटेल्ड इंटरोगेशन में पता लगेगा कि ये और किन मेडिकल स्टोर्स पे ये दवाइयाँ देते थे बिना बिल्स के और बिना लाइसेंस के।